उसको आपने इंगेज करना है। अब जब साइट विजिट पे कोई बंदा आए तो आपने ग्रीट करना है, सही है, ग्रीट करके उसको अपने टेबल पे ले जाके बिठाना है। टेबल पे बिठा के हाल अहवाल पूछ, फौरन से शुरू नहीं हो जाए, कैसे हैं सर, रास्ते में कुछ मसला तो नहीं हुआ, जगह मिल गई, डायरेक्शन साथ हो गया, वो सारी चीज़ें आपने बेसिक जो दोस्ती यारी के लिए बनाने हैं वो आपको बात करनी है। फिर उसके बाद आ जाओगे, अगर आपको पहले से पता है कि वो किस, उसने फ़ोन पे आपको बता दिया है कि किस प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, किस यूनिट में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप स्टार्ट ही उसी से करोगे। आप दोबारा से नहीं पूछोगे सर आप 2 बेड या 3 बेड में इंटरेस्टेड हो, वो बता चुका है आपको फोन। अगर तो उसने नहीं बताया कुछ और वो ऐसे ही आया, तो आप उसके सामने पेमेंट शेड्यूल नहीं रखोगे, से आप उसको प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताना शुरू करोगे। जितना पेमेंट शेड्यूल बाद में रखोगे उतने चांसेस ऑफ क्लोजिंग भरेगी, ये दिमाग में रखना। जब पेमेंट शेड्यूल आप उनको दे दो, वो आपके सामने बैठा हुआ होना चाहिए, उसके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगर क्लोज होने के चांसेस हों तो वहीं हो जाएं, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है। पहले आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताओगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बाद आप उनको मॉडल अपार्टमेंट दिखाने ले जाओगे, अगर तो आपके प्रोजेक्ट में मॉडल अपार्टमेंट है। मॉडल अपार्टमेंट है तो भी, नहीं है तो भी, उसके बाद टेबल मॉडल सबके पास होता है, आप उसको खड़ा करके लेके जाओगे टेबल मॉडल, प्लास्टिक मॉडल जिसको हम बोलते हैं, प्लास्टिक मॉडल आप उसको दिखाओगे और उस पर ब्रीफिंग दोगे खड़े रह के कि सर देखें ये एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से यहाँ से आप ऊपर आएंगे, ये लिफ्टें हैं, चार लिफ्टें हैं, चार लिफ्टों के बाद 3 फ्लोर पार्किंग है, पार्किंग के बाद हमारा लॉबी है, लॉबी के बाद अपार्टमेंट्स हैं, सही है, ये वेस्ट ओपन साइड है, ये ईस्ट ओपन साइड है, यहाँ पे 2 बेड लाउंज है, यहाँ पे 3 बेड लाउंज है, ये सारी चीज़ें आप उनको समझाओगे। और वहीं आप उससे सवालात पूछोगे, क्या सवालात पूछोगे, सर खुद के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, सही है, कितने बेडरूम की रिक्वायरमेंट है, ये खड़े रह के आप उसके साथ सवालात पूछोगे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, अगर पता है तो दोबारा पूछना बेवकूफ़ी है, सही, याद होना चाहिए कि किस कस्टमर ने क्या बोला था और वो किसके लिए आया है।